लगता चली गई। ये किताब तो मैंने अलमारी में रखी थी, बाहर कैसे आ गई? ये तो नागिन की कच लिया है हमने। आएंगे जी, अब तो बात पक्की हो गई। वो नागिन यहाँ आई थी, ये सब कुछ उसी ने किया है। यहाँ आई थी तो फिर ये यहीं कहीं होगी। यामिनी जी, वो चली गई, खिड़की से चली गई, पर वो यहाँ पे आई क्यों थी? और वो भी मेरे भेस में। जो नागिन हमें मारना चाहती थी, जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी, वो तो मर गई है। फिर ये दूसरी नागिन कौन सी पैदा हो गई है? ये तो गुरुमा ही हमें बता सकती है। जब तुमने कहा कि घर में नागिन की केंचुली मिली, तो मुझे आना ही पड़ा ये देखने के लिए कि ये कौन सी नागिन आई है। वो नागिन तो मर गई, अब ये कौन सी नागिन है? कहाँ है केंचुली, दिखाओ मुझे। इधर ही गुरुमा, ये देखिए। अच्छा गुरुमा, ये नागिन हमारा पीछा कब छोड़ेगी? अगर वो नागिन मर गई तो ये कौन आई है? वो खंजर दो जिससे तुम्हारे बेटे ने नागिन को मारा। गुरुमा, ये लीजिए। ओम काली काली महाकाली पापहारिणी, ओम देवी नमस्ते। ये उसी का खून है। नागिन मरी नहीं, जिंदा है। पर गुरुमा, ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि ये खंजर के वार से वो बच नहीं सकती है। बच गई, कोई है जो उसे बचा रहा है, बार बार बचा रहा है, लेकिन कब तक बचेगी वो? मैं उसी के खून से उसके शरीर के पूरा खून को मैं निकाल लूंगी, उसके प्राण ले आऊंगी। माँ रक्त की प्यासी वो भी, हर नागिन के रक्त की प्यासी मैं भी। जय माँ काली। शेषा, तुम यहाँ? हाँ गुरुदेव, सब्जियाँ लेने का बहाना करके आई हूँ। मुझे शिवन्या से बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, अभी वो आराम कर रही है।
तुम इतनी परेशान क्यों? क्या बात है? गुरुदेव, वो मुझे उस घर में एक किताब मिली है, नागमणि की कहानियाँ। उस किताब में एक निशान है और वही निशान ऋतिक के शरीर पर है। क्या संबंध हो सकता है उस निशान का ऋतिक से? ध्यान लगाना होगा। गुरुदेव, शिवन्या ये बात जानती होगी, वो किताब शिवन्या के पास थी। वो ठीक हो रही है, वो आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। तुम जाओ और पता लगाओ, उसी घर में रह रही हो ना तुम? हाँ गुरुदेव, उस घर के इंसान तो इंसान, दीवारों से भी पता पूछ लूंगी मैं। सब्जियां लेते हुए जाऊंगी ताकि इनको शक ना हो। शिवन्या, क्या हुआ? ये तो ठीक हो रही थी, अचानक इसे क्या हुआ? अगर इसी तरह खून निकलता रहा तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। शिवन्या, तुम हिम्मत से काम लो, मैं गुरुजी को बुलाता हूँ। मारन भी है और मारक भी, इस पर जो विष चढ़ा है वो मारन है और इसके साथ मारक भी है। जो अपने सिद्धियों से इसी घड़ी से मार रहा है कटका, ये तो मेरे वश का भी नहीं है। कौन है ये मारक गुरुदेव? ये मरनहार विकराल है, रक्त का उबाल है, बह जाएगा उसका सारा खून, मर जाएगी वो नागिन आखिरी दोपहर, बस केवल 6 घंटे, उसके बाद नागिन जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी जिंदा। शिवन्या, शिवन्या उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो शिवन्या। वो नहीं उठेगी, नहीं खुलेगी उसकी आंखें। मौत का सफर शुरू हो चुका है, सांसें जा रही है, मौत आ रही है। वो नागिन अभी तक मरी क्यों नहीं? हर बार मौत के मुंह तक जाकर वापस आ जाती है। अगर वो वापस आ गई तो? इंसान की फितरत है डरना, लेकिन डरना मत। इस बार नागिन की मौत आएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग डर रहे हो तो तुम लोग के तसल्ली के लिए ये बेल पत्र, ये रक्षा कवच घर के सारे खिड़की दरवाजे के बाहर लगवा दो। अगर कोई नागिन बाहर है तो वो घर के अंदर आ नहीं पाएगी, और अगर कोई नागिन घर के अंदर किसी भी रूप में है तो वो घर से बाहर जा नहीं पाएगी। मौत आएगी। जय महाकाली। योगिराज, शिवन्या जा रही है। कोई उपाय बताइए गुरुदेव। योगिराज, आप में तो साक्षात शिव बसते हैं, कोई उपाय नहीं? ओम शिव 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 सदाचारी मंगलकारी संकटहारी विषधारी। ओम शिव शिव शिव। केवल एक प्रहर का समय बचा है कटक का भैरव, इसके बाद शिवन्या का जीवन
अशेष। कोई उपाय नहीं गुरुदेव, आपको तो शिव जी का वरदान है। कटका, मैं इंसान हूं भगवान नहीं। मैंने शिव जी से जो सिद्धियां प्राप्त की है उससे शिवन्या की मौत को सिर्फ दोपहर के लिए टाल सकता। एक दिन के लिए मौत तो टाल दिया है कटका, अब एक ही है जो इसे जीवन दान दे सकता है, एक ही है जो इसका विषपान कर सकता है, जिसने अमृत मंथन में समुद्र का विष पिया। वो नीलकंठधारी, वो सर्पधारी, वो संकटहारी, उसके मंदिर जाना पड़ेगा। शिवन्या को उसी भोलेनाथ के मंदिर जाना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, आखिरकार आपने मार ही दिया उस नागिन को। भैया कितने लोगों ने ट्राई किया उस नागिन को मारने को, लेकिन आपने फाइनली फिनिश्ड। सो फाइनली हमारे घर को उस नागिन के डर से छुटकारा मिल गया। यस, फाइनली। पहले तो मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से उस नागिन ने शिवन्या को डसा मैं मान गया कि वो है। ऐसे कैसे जाने देता उसे, एक एक की जान ले रही थी ना, उसे तो मारना ही था। नागिन मर गई और उसके साथ उसका डर भी मर गया। नहीं मरी वो नागिन। जिंदा है वो नागिन। पर माँ वो खंजर मत... नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, इतनी आसानी से नहीं मरेगी। इच्छाधारी है ना, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है। गेम खेल रही है हमारे साथ, लेकिन हम भी उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले। उसी की बाधा से उसको बांधेंगे। गुरु माने ये बेलपत्र दिया है, घर के सारे खिड़की दरवाजे में बांध लेंगे हम। उसके बाद वो नागिन बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, और अगर अंदर होगी तो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी। जाओ जाके जल्दी से बांध दो उसे, जाओ सारे खिड़की दरवाजे में। चल बेटा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शिवन्या की जान खतरे में है, उसे मेरी जरूरत है। मुझे मंदिर जाना ही होगा। रुक जाओ। इसी खिड़की से आती जाती है ना। कौन? नागिन। उसे तो खंजर से मार ही दिया था मैंने, पर पापा बता रहे हैं कि वो बच गए, अभी भी जिंदा है, खतरा टला नहीं। उसने एक बार तो तुम्हें डस दिया था, पर अब दोबारा उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। गुरुमा ने ये बेलपत्र दिए हैं घर के सारे खिड़की दरवाजे पर लगाने के लिए। अगर वो नागिन घर के अंदर है तो बाहर नहीं जा सकती, और अगर बाहर है तो अंदर नहीं आ सकती। हे शिव जी, आपके बेलपत्रों ने ही रास्ता रोक लिया। अब मैं इस घर से कैसे जाऊंगी बाहर? शिवन्या को मेरी जरूरत है, कैसे जाऊंगी? मैं लेकर जाऊंगा शिवन्या को गुरुदेव। नहीं कटका, तुम नहीं जाओगे। शिवन्या का पति उसके साथ जाएगा। जब एक लड़का और एक लड़की अग्नि के साथ फेरे लेते हैं तो वो सात जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं। उनका भाग्य, उनका सौभाग्य, ग्रह नक्षत्र सब जुड़ जाते हैं।
उनका भाग्य फल एक दूसरे के काम आता है। अगर एक पर मौत आती है तो दूसरे का भाग्य उसे बचाता है। अब इस समय शिवन्या के भाग्य में मौत लिख दी है उस गुरु माँ ने। शिवन्या को जीवन दान उसका पति ही दिला सकता है। उसका भाग अभी से वही बचा सकता है। इसका पति, इसका सिंदूर। जिस तरह सावित्री ने सत्यवान को जीवन दान दिलाया था, उसी तरह शिवन्या का सुहाग ही उसे सौभाग्यवती बना सकता है। पर गुरुदेव, ऋतिक उस गुफा वाले मंदिर में कैसे जा सकता है? अगर वो उस मंदिर में शिवन्या के साथ गया तो वो इसका सच जान जाएगा कि शिवन्या नागिन है। नहीं गुरुदेव, नहीं। अगर ऋतिक ने देख लिया कि मैं जख्मी हूँ तो वो ये भी जान जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ, और ये भी जान जाएगा कि उसके घर में उसके साथ में उसके पिता और उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने मेरे माँ बाबा की हत्या की थी। शिवन्या, यही एक उपाय है तुम्हारे पास जीवित रहने का, और यही शिव जी की इच्छा भी है। ऐसा है तो फिर मेरी मौत निश्चित है। ऋतिक नहीं आया तो भी मेरी मौत, वो आया तो भी मेरी मृत्यु। मैं लाऊंगा उसके पास। ऋतिक आएगा पर तुम्हें बचाने। पर कैसे आएगा गुरुदेव? मैं लाऊंगा उसे, उसे आना ही होगा। तुम्हारा भाग्य उससे जुड़ा है शिवन्या। ये शिव सहारा देंगे तुम्हें, देना ही होगा। इनके मंदिर में इनकी मणि की रक्षा करते हुए तुम्हारे माँ बाप मर गए। अब ये बनेंगे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे इंतकाम के लिए तुम्हें नया जीवन दान देंगे। देना ही होगा। वो कातिल जी नहीं सकते शिवन्या, और तुम इंतकाम लिए बिना मर नहीं सकती। शिव जी को तुम्हारी सहायता करनी ही होगी। जाओ शिवन्या, जाओ। ऋतिक को लाएंगे, ये ऋतिक को लाएंगे शिव जी ही तुम्हारे पास। शिव जी की ये महायात्रा महामुश्किलों से भरी होगी शिवन्या। भगवान तक जाना, उसे पाना इतना आसान नहीं। बाधाएं आएंगी, बाज, नेवले, जंगली जानवर आएंगे, भक्तों की परीक्षाएं होंगी। उन सबको तुम्हें पार करके शिवजी तक पहुंचना है शिवन्या। जाओ शिवन्या, जाओ। मैं जाऊंगी योगिरा, मैं जाऊंगी। मैं सारी मुश्किलों का सामना करूंगी। मैं जाऊंगी। हे भोलेनाथ, शिवन्या और उसके पति की रक्षा करना। वो केवल कर्म और धर्म से नहीं, जन्म से जुड़े हैं साथ। और वो निशान जो ऋतिक के गर्दन पर है, वो उनके साथ का गवाह है। इसका मतलब क्या है गुरुदेव? ये यात्रा शिवन्या के लिए तो मुश्किल होगी ही, लेकिन ऋतिक के लिए भी आसान नहीं होगी। जिनके शरीर पे ऐसे निशान होते हैं, नाग नागिन से जुड़े होते हैं, शक्तियों से जुड़े होते हैं। जिस नागिन से वो प्यार करते हैं, उसकी आत्मा से जुड़े होते हैं। मिलो दूर से भी महसूस कर लेते हैं उसका दुख दर्द। जब जब शिवन्या को दर्द होगा, ऋतिक भी महसूस करेगा वो दर्द, उसे दिखेगा वो दर्द। या तो सपने में, या अपने ही दिल में। जन्म ले चुकी है एक इंसान और एक नागिन की प्रेम कहानी। जुड़ चुकी है एक इंसान और एक नागिन की आत्मा। परमात्मा साक्षी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आखिर उस नागमणि की कहानी में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि अंकुश रहेजा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किताब शिवन्या के हाथ ना लगे। मुझे जल्द से जल्द उस राज के पन्ने को खोलना होगा। शेषा, 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 आज मेरी आवाज सुन लो। ले आओ ऋतिक को मंदिर में। न जाने कब कब गुरुदेव तुम्हारे पास पहुंचेंगे, कब तुम्हें बताएंगे, कब तुम मंदिर आओगी। मेरे पास समय बहुत कम है शेषा, सुन लो मेरी आवाज। शिवन्या, शिवन्या मुझे बुला रही है। लगता है वो किसी खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। ये बेलपत्र हमारी इष्ट की शक्तियों को पूरे घर में बांध के रखा है इन लोगों ने। कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाने का। अब कैसे जाऊं मैं शिवन्या के पास? हे कालों के काल, ये कैसा काल आया है? ये कैसी तेरी परीक्षा है? मुझे शीघ्रातिशीघ्र ऋतिक के घर जाना है, शेषा को बुलाना है। वो ले जाएगी ऋतिक को। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर कृपा कर। वक्त बीता जा रहा है, शिवन्या की जान खतरे में। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा, ये बेल पत्र हटाना होगा। शिवन्या, तुम दरवाजे के पास क्या कर रही हो? माँ, मैं देख रही थी कि वो तोरण ठीक से लगा तो है ना। वहां से एक भी बेलपत्र नीचे गिर गया तो वो नागिन घर में आ सकती है। बस वही देख रही थी। ठीक है बेटा, मैं जाकर सबके लिए चाय बनाती हूँ। जी। शिवन्या, शिवन्या, शिवन्या! ऋतिक, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और इतना पसीना? तुम इस तरह शिवन्या को क्यों बुला रहे थे? माँ, पता नहीं अचानक से क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है शिवन्या किसी मुसीबत में। माँ, उसे बुलाओ ना। शिवन्या! ऋतिक, वो अपने कमरे में होगी, कहाँ जाएगी वो? माँ, कमरे में है तो वो आती क्यों नहीं है? कहीं उसे कुछ। मैं जाके देखता हूँ। ऋतिक, लो। आ गई वो, बिल्कुल ठीक ठाक तो लग रही है। क्या हुआ ऋतिक, तुम ऐसे क्यों बुला रहे हो मुझे? शिवन्या, शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे, हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए ऋतिक को अचानक लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो। शिवन्या मुझे बुला रही थी, शायद वो किसी मुसीबत में है। पर ऋतिक को कैसे एहसास हुआ? आज ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार ऋतिक ने सपने में भी शिवन्या को देखा था कि वो खतरे में। यहां तक कि ऋतिक को ये भी पता था कि गांव कहाँ है। ये कैसा रिश्ता है दोनों का?
ऐसे रिश्ते वही बनाता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऋतिक जैसा साथी तुम्हें मिला। चिंता मत करो ऋतिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। शिवन्या, अगर तुम मेरे सामने हो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो? जब से वो नागिन हमारी जिंदगी में आई है मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी पूरे घर में बेलपत्र के तोरण लगे हैं, वो नागिन चाहे भी तो घर के अंदर नहीं आ सकती। बेटा, शिवन्या बिल्कुल ठीक कह रही है, वो नागिन अंदर आ ही नहीं सकती, और अगर अंदर आ गई ना तो जल के भस्म हो जाएगी। नागिन घर के अंदर है बेवकूफ, अगर तूने ये अंगूठी नहीं पहनी होती तो सबसे पहले ये नागिन तुझे ही दस लेती। ऋतिक, तुम परेशान क्यों होते हो? सबसे पहले ये बेल पत्र हटाने होंगे मुझे, शिवन्या के पास जाना है, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब तक अपने माँ बाबा का इंतकाम नहीं ले लेती मरूंगी नहीं। देखा शैलेश, किस तरह उस नागिन का खौफ सबके दिमाग पर चढ़ गया है, सबकी हालत खराब कर दी उसने, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। मैंने सोच लिया है, मैं इस नागिन को नहीं छोड़ूंगा एंकी, नहीं छोड़ूंगा। यही मौका है जाने का, लेकिन पहले बेल पत्र निकालना होगा। समय बीत रहा है, सफर अभी बाकी है, अंतिम पहर में केवल 3 घंटे बचे। ऋतिक को मंदिर ले जाना है। हर हर महादेव, हे स्वयंभू रक्षा कर, हे स्वयंभू रक्षा कर। भाई मुझे शहर जाना है, किसी की जान खतरे में, आप मुझे छोड़ देंगे? आ जाइए, चलो चलिए। चलने की बू कहां से आ रही है? हे भगवान, बेलपत्र जल रहे, आग लगी है, किसने लगाई है आग? नागिन ने। मां, ये आग से बने, देखो तो सही, कोई पानी लेकर आ रही है। जल्दी आइए। क्या हुआ मां, क्या हुआ? देखो कातिलों के कातिल नागिन को रोकने चले थे, तूफान को बांधने चले थे, जानते नहीं
नागिन का जुनून, नागिन का फितूर, देख लो अपनी आंखों से। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं जिंदा हूं। अगर जान गए तो शेषा और शिवन्या का इंतकाम अधूरा रह जाएगा। मैं अंदर नहीं जा सकता मगर शेषा तो बाहर आ सकती है ना। शेषा, मेरी आवाज तुम तक पहुंचे ना पहुंचे मगर इस बीन की आवाज तुम तक अवश्य पहुंचेगी। तुम्हें आना ही होगा। मौका भी है और अंधेरा भी। अभी निकल जाते हो, कोई नहीं देख पाएगा कि नागिन घर में ही थे और निकल भी गए। कमर ले, नागिन घर में थी, अभी बाहर निकली। यहाँ कैसे आ गई? क्या हो रहा है? ऋतिक के साथ, ऋतिक के पास जाओ, अकेला जल्दी जाओ। बेटा जाओ, अंकजी वो नागिन बाहर गई है, पूरे घर को खतरा है, कुछ कीजिए ना अंकजी, कुछ कीजिए। क्या हुआ? ये भीम की आवाज कैसे? ये आगे नदी बाहर गई है, अब ये भीम की आवाज है। तुम लोग यहीं पर को, मैं जरा देख लेता हूँ। शैलेश, शैलेश, ये सबका ध्यान रख। क्या कर रहे हैं? सबका ध्यान रख, ये पकड़। अरे जी, वो नागिन आ गई है। कुछ नहीं हो, रुक जाइए, कुछ नहीं। नागिन रुक जाइए, बाबा, रुक जाइए, रुक जाइए, बाबा भाई साहब, एक बार रुक जाइए। आप लोग अंदर, मैं चलता हूँ। आओ अंदर चलिए, आप लोग अंदर चलिए, आप लोग अंदर चलिए, अंदर चलिए, चलिए, चलिए। गुरुदेव, आप यहाँ क्यों आए? गुरुदेव, आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो आप जानते हैं ना कि इन लोगों को लगता है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। मौत का बुलावा तो उसे भी आया है। किसे? शिवन्या के पास केवल 3 घंटे का जीवन शेष है। क्या? इसलिए शिवन्या मुझे बुला रही थी। गुरुदेव, मैं उसी के पास जा रही थी। आपने कोई उपाय तो किया होगा ना उसे बचाने का? अब तो केवल उसे महादेव ही बचा सकते हैं। ऊंचे टीले पर बैठे हुए नागेश्वर, हमारे शिव महेश्वर, तुम्हें ऋतिक को लेकर उस मंदिर में जाना होगा। लेकिन वो तो दुश्मन का बेटा है। हाँ, शिवन्या को उसकी जरूरत है। अगर वो ऋतिक के साथ मंदिर में जाएगी तो मौत से बाहर आएगी, जीवन पाएगी। शोकीराज का यही कहना था। लगता है कोई है, आओ। वीण की आवाज यहीं कहीं से आ रही थी। वीण बजाने वाला यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। लगता है किसी ने हमें देख लिया है। ये नागिन तो सचमुच जिंदा है। इसका मतलब गुरुमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, नागिन जिंदा है। यही घर में घुसी थी, इसी की केचुली थी वो। अब समझ में आया, वो बेलपत्र भी इसी ने ही जलाया है। यही है हमारे आसपास, यही हमारे सर पर खतरा बन के मंडरा रही है। इसके साथ में कौन है? ये तो वही सपेरा है। इसका मतलब 20 साल पहले उस रात को ये जिंदा बच गया था, तो यही है जो इन नागिन को बचा रहा है। उस रात तो ये बच गया था, लेकिन आज ये जिंदा यहां से नहीं जाएगा।
गुरुदेव, लगता है किसी ने हमें देख लिया। जाइए यहाँ से, मैं रितिक को मंदिर लेके आ जाऊंगी। अब जाइए। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। माँ, हम लोग वो फ्यूज चेक कर रहे थे और ऊपर गोलियों की आवाज। कुछ समझ में नहीं आ रहा रितिक, आंकी जी ऊपर गए और ऊपर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। माँ, मैं चेक करके आता हूँ। डैडी, आंकी जी, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी और आपके हाथ में ये गन, मतलब ये गोली आपने? वो नागिन अभी मरी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जिंदा है। हाँ, वो नागिन जिंदा है। गुरुमा, आप यहाँ कैसे? गुरुमा, गुरुमा देखिए ना, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? गुरुमा, आपने ही हमारे घर में पूजा की थी और आपने कहा था कि वो नागिन मर जाएगी, क्या हुआ? गुरुमा, आपने जो बेलपत्र हमें दिए थे वो हमने सब तरफ बांधे थे, लेकिन लेकिन उन्हें भी जला दिया उस नागिन ने। हाँ, मैं जानती हूँ, जानती हूँ। मैंने जब इस घर में पूजा की थी तब मैंने बताया ना कि कोई है जो उसे बचा रहा है, और आज भी जब मैंने गुफा में पूजा की तो मुझे पता चला कि अब भी कोई है जो उस नागिन को बचा रहा है। गुरुमा, कोई ना कोई तो है जो उसे बचा रहा है, लेकिन आप ही ने कहा ना कि उसके पास आखिरी 6 घंटे बचे हुए, तो बचाने वाला उसे कैसे बचा पाएगा? इसी प्रश्न का उत्तर देने यहाँ आई हूँ, चेताने आई हूँ, बताने आई हूँ तुम सबको कि नागिन के जिंदगी के बस आखिरी 3 घंटे बचे हैं, लेकिन ये 3 घंटे जितना उस नागिन पर भारी है उतना ही तुम सब पर भारी है। इसलिए सतर्क रहना होगा, जब तक वो नागिन मर ना जाए सतर्क रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। नागिन किसी का भी शिकार कर सकती है। ये कि लौ बुझते वक्त ज्यादा बड़ी हो जाती है, ये तो सुना ही होगा। गुरुमा, कोई ना कोई तो उपाय होगा ना उस नागिन को मारने का। अब केवल आप ही हैं जो हमें उस नागिन के कहर से बचा सकती है, कुछ तो कीजिए प्लीज। है एक उपाय है। उस ऊंची पहाड़ी के टीले पे जो शिव जी का मंदिर है वहां जाकर पूजा करना होगा। इस घर के बेटे और बहू ऋतिक और शिव जी वही देवों के देव है, कालों के काल, वही देंगे जीवन दान। जाओ जाओ शिव जी के पास, और मैं जा रही हूं रक्षावन करने। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। गुरु, जय माँ काली। अब ऋतिक को शिव जी के मंदिर ले जाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मैं आ रही हूँ शिव जी। जय भोलेनाथ। माँ, मैं उस पूजा में जरूर जाऊंगा शिवन्या के साथ। बेटा, थोड़ा संभल के, ये आखिरी के 3 घंटे हम सब पर बहुत भारी है,
बहुत खतरा है। डैड, अगर इस घर को नागिन से बचना है तो मैं किसी भी खतरे से गुजर जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। नहीं माँ, हम दोनों अकेले ही जाएंगे। जब तक मैं और शिवन्या वापस नहीं आ जाते, इस घर के बाहर कोई नहीं निकलेगा। हाँ माँ, हमें कुछ नहीं होगा। वैसे भी हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, वहां जान का कौन सा खतरा। शिवन्या, अब तुम ही हृदय की ढाल हो, जरा संभल के जाना। जी माँ, अभी हमें चलना चाहिए। चले रितिक। चलो जाओ। शैलेश, चल के घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, कहीं वो नागिन अंदर ना आ जाए। चल। ओम नमः शिवाय। 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 नेवला, नहीं, मैं बेवजह किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकती। मुझे कोई और उपाय सोचना होगा, सिर्फ अपने रास्ते जाना होगा। शिव जी, वक्त कम है, बुला लो जल्दी अपने पास। थैंक्स शिवन्या, तुमने मेरी परिवार के लिए इतनी ऊंची पहाड़ी चलकर तुम मेरे साथ पूजा में आई। तुम्हारे कातिल परिवार के लिए नहीं, अपनी बहन शिवन्या के लिए जा रही हूँ। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं शिवन्या को बचा के रहूंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.